कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपने सबके लिए घर पे गिफ्ट्स भेजे। हर चीज बताई थोड़ी जाती, मैं अपने ससुराल वालों को गिफ्ट नहीं भेज सकता क्या? तुम घर पे रोज इतने सारे काम करती हो, अरे दामाद का भी तो कुछ फर्ज होता है। माँ, एलिना चली गई। अरे भाई चलो चलो चलो, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। हाँ भाई चलो, लगा बेटा लगा 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 लगा। भाभी मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है। देव बेटा मंदिर चले। हाँ माँ, सारा सामान रख दिया ना? जी सर। ठीक है चलते हैं। चल। क्या हुआ? चल गई। चल गई। रक्षी की आवाज। क्या हुआ? पता नहीं। रक्षी? हाय हाय, बैठ 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 बैठ, दिखा। पानी पानी पानी, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया। ये हो गया, क्या हो गया। कर दिया तुमने सोनाक्षी, कैसे हुआ ये? बस बेटा बस, अभी ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, दियो सब ठीक हो जाएगा। जली हुई फुलझड़ी में पैर चला गया होगा इसका, उसको अंदर लेके चलते हैं। आजा, चिंता मत कर, उठा इसको। हाँ। भगवान का शुक्र है ज्यादा नहीं जली, चल बेटा। बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं मैं ठीक हूँ। दर्द हो रहा है और तुम कह रही हो मैं ठीक हूँ? हॉस्पिटल चलते हैं, अगर सेप्टिक हो गया तो? नहीं देव, उसकी जरूरत नहीं है, ये दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा। थोड़ा दर्द तो होगा जब तक सूखेगा नहीं। लेकिन तब तक मैं तुम्हें इतने दर्द में कैसे देखूं? आइए मेरे पास आइए, मुझे एक टाइट हग दीजिए, सब दर्द दूर चला जाएगा। सोनाक्षी ठीक तो है ना? क्या डॉक्टर को बुलवाऊं? अच्छी भली मस्ती कर रही थी सबके साथ, देवी परेशान हो गया होगा ना? दोनों की पहली दिवाली है और बेचारी को चोट लग गई। हाँ पर देव है ना उसके पास, मेरा मतलब देव उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास ही बैठा है। ईश्वरी एक काम करते हैं, हम दोनों मंदिर जाके कंबल बांट आते हैं। नहीं उसकी जरूरत नहीं है अभी। क्यों जरूरत नहीं है? तू हर साल करती है ना, या फिर कल देव कर आएगा? हाँ अभी सोनाक्षी को उसकी ज्यादा जरूरत है। मैं तो सिर्फ दवाई लगा रहा हूँ, वो शरारत बाय डिफॉल्ट हो रही है। रहने दीजिए, मैं ही लगा देती हूँ। हाँ हाँ खिंचो भैया, लाइए। थैंक यू। चलो पति ख्याल रखिए, अच्छा लगता है, लेकिन जितना ख्याल आप रख रहे हो उतनी बड़ी चोट नहीं आई है मुझे। चोट छोटी है लेकिन निशान छोड़ जाएगी। निशान नहीं, निशानी। शादी के बाद मेरी पहली दिवाली की निशानी। हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हो तुम। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
सारा सामान गाड़ी में ही है ना? माँ जी मैंने खुद चेक करके रखा, आप गाड़ी में बैठिए ना। माँ जी देव भैया को बुला दूँ? नहीं, उसकी जरूरत होती तो मैं खुद बुला लेती। मैं चली जाती हूँ। हाँ मंदिर नहीं जाना क्या, देर हो गई। हाँ माँ कहाँ गई? माँ माँ कहाँ थी? किचु भैया माँ कहाँ? माँ जी तो कब की गाड़ी लेकर शिव मंदिर चली गई। शिव मंदिर चली गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पर हाँ बिना बताए कैसे चली गई? क्या हुआ देव, परेशान क्यों? मामा जी माँ मंदिर चली गई और बताया भी नहीं। आपको कुछ बताया क्या? मेरी बात तो हुई थी लेकिन मुझे लगा कि आज जाएगी नहीं वो। नहीं रात को चली गई, मैं जाके देखता। अरे बेटा मत जा, अभी कोई फायदा नहीं है, और अकेली तो गई नहीं है वो, ड्राइवर साथ होगा ना। हाँ लेकिन माँ। तुम माँ बेटे एक जैसे हो, तू चिंता क्यों कर रहा है? जहाँ वो गई है सब जानते हैं उसे, और तुझे तो इस वक्त सोनाक्षी के पास होना चाहिए, उसे जरूरत है तेरी, जा ऊपर जा। लेकिन मामा जी माँ। अब तू नहीं मानेगा तो मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेता हूँ, वैसे भी वो आती होगी। जा ऊपर जा। आई होप तुम अब बेटर फील कर रहे हो, यही पूछने के लिए मैसेज किया था। ऐसे हंसने का मतलब? मेरी इतनी चिंता है तुझे, फिर भी कहेगी नहीं खुल के। तू मान क्यों नहीं लेती कि तू भी मुझे मिस कर रही है? क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। झूठ। अरे कहा ना आई डोंट मिस यू। फिर से झूठ। नो मींस नो। देख हम दोनों ये यस नो रात भर खेल सकते हैं। मैं रेडी हूँ। अरे देव तू सोया नहीं अब तक बेटा? कैसे सो जाता माँ, इतनी रात को तू अकेले चली गई, हम हमेशा साथ जाते हैं ना। हाँ बेटा पर तुझे सोनाक्षी का भी तो ध्यान रखना था ना, और फिर अगर बहुत ज्यादा देर हो जाती तो गरीब बेचारे लोग हताश लौट जाते खाली हाथ, इसलिए तुझे बिना बताए चली गई। कोई बात नहीं बेटा, जो काम था वो हो गया ना। हाँ मगर एक बार बता देती जाने से पहले मैं भी तेरे साथ चल लेता। हर साल हम दिवाली पे साथ जाते हैं ना, ये भी एक परंपरा बन गई है। हाँ बिल्कुल, पर वक्त के साथ परंपराओं को भी बदलना पड़ता है बेटा। इससे अब तेरी शादी हुई है तो कुछ चीजें बदल गई हैं, अब तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या बदल गया है माँ? मेरा मतलब है मेरे साथ साथ तुझे सोनाक्षी का भी ख्याल रखना होगा ना, अब वो भी तो तेरी जिम्मेदारी है। और कैसी माँ कहलाऊंगी मैं अगर इतनी सी बात भी नहीं समझ पाई तो? सोनाक्षी ठीक है? हाँ ठीक है। चल चल सो जा। पहले आपकी बात। लग रहा है कि किसी छोटे से बेबी को खिला रहा हूँ। How you doing, baby girl? Shut up. चुपचाप करके खाओ। खाते टाइम बात नहीं करते। थोड़ी थोड़ी करते हैं। लो, दही भी लो साथ।
आपकी बारी, नो चीटिंग। दांत क्या दिखा रही हो? मैंने ये सब इमेजिन किया था, ये कि तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। What nonsense, ये कौन इमेजिन करता है? अपने आप को चोट लगाना कौन इमेजिन करता है? मैंने ऐसे फेरी टेल्स में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ी होती ना तो आप भी इमेजिन करते। तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ इमेजिन करने के लिए फेरी टेल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं। पता है, अगर आप मजाक उड़ा भी रहे हैं ना तो साथ साथ अपना भी उड़ा रहे मेरे प्रिंस चार्मिंग। तुम्हारा मतलब है कि मैं सफेद घोड़े पे बैठ के एक बड़े महल से बाहर निकलूंगा और तुम्हें एक बड़े से ड्रैगन से बचाऊंगा? नो, मैं इस टाइप की फेरी टेल्स में बिलीव ही नहीं करती हूँ और मैं चाहूंगी भी नहीं कि आप मुझे वहां आकर बचाएं। तो फिर और कौन आके बचाएगा? अमर पुत्तुरा, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे पराठे खिलाते रहो, स्ट्रॉन्ग बनाओ और फिर मैं हर मुश्किल को खुद से ही फेस करूं। देव, आजा बेटा नाश्ता कर ले। नहीं माँ, नाश्ता कर लिया। वो सोनाक्षी के पैर में चोट लगी है ना, तो वो नीचे नहीं आ पाई, इसलिए नाश्ता ऊपर ही मंगवा लिया था। हम दोनों ने कर लिया। मैं चलता हूँ। खुश रहो। वैसे सोनाक्षी की जख्म ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? नहीं माँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो अच्छा है। भैया जी, ये सुबह सुबह आया था। क्या है? क्या बात है, तुम दोनों ऐसे चुप क्यों खड़े हो? रणवीर, क्या रणवीर ने यहाँ पर मानसिक उत्पीड़न का केस फाइल किया? क्या रणवीर का कहना है कि वो उसे फैमिली से अलग करना चाहती है। उसने नेहा पे इल्जाम लगाया है। पर नेहा ने तो कुछ भी नहीं किया है। इसे ठीक से पढ़, कुछ पढ़ने में गलती हुई होगी बेटा। नहीं ईश्वरी, पढ़ने में कोई गलती नहीं है, वही सब है। पर ऐसे कैसे? मैं देखता। उठा क्यों नहीं रहे हो? वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ ना। What? वो जो चोट लगी थी ना, तो डॉक्टर ने बोला है कि सेप्टिक हो गया, तो ऑपरेट करना पड़ जाएगा। कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत आना, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है कोई, और वैसे भी इतना तो मैं सहन कर ही सकता हूँ ना, अपने प्यार के खातिर। सीरियसली, ये कोई मजाक करने वाली बात है? अच्छा, अगर हो जाता तो? हाँ, और तू देख अपने को, इतनी छोटी सी बात को लेकर यहाँ पर आने वाली थी। अगली अब तो मान जा, तू भी मुझे लाइक करने लगी है, बोलती नहीं है ना। मेरा कोई भी दोस्त होता ना तो मैं ऐसे ही करती विक्की। पर अगर ये केस कोर्ट में होता ना, तो इस सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये केस बहुत आसानी से जीत जाता। पगली, व्हाटएवर, ये सारी बकवास ना तुम खुद के साथ ही करो, मैं फोन रख रही हूँ। आई होप कि तुम्हें ना सच में सेप्टिक हो जाए। फंस गई बंगाली मछली। रणवीर ने नेहा पर मानसिक उत्पीड़न का केस फाइल किया। मां, तुम क्यों आ गई ये लेकर? तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं माँ, चोट ठीक है, आप कुछ खा लीजिए। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो ठीक है, बिना मन लगाए आप खा लीजिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप बीमार पड़ेगी।
और अगर आप बीमार पड़ेंगे तो नेहा को कौन संभालेगा? ये लीजिए। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं सोनाक्षी? एक तो मेरी बेटी वहां इतनी दुखी थी, ऊपर से उस पर यूं झूठा इल्जाम लगाना, उसको सताना। रणवीर ऐसा कर सकता है ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हाँ, ये सब ड्रामा है, ना ही रणवीर झुकना चाहता है और ना ही नहीं। अपने अपने ईगो में बस अकड़ में वो कुछ भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इसे एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। मतलब हम दोनों फैमिलीज अगर मिलके बात करें, डिस्कस करें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक, कोर्ट केस, लॉयर्स, ये सब कौन है? हमसे बेहतर तो रणवीर और नेहा को नहीं जानते। हाँ, मुझे तो लगता है कि हमें ही खुद उनके गुस्से से उन्हें बचाना पड़ेगा। ये रख तो यही, मैं खा लूंगी बाद में। तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। तुम्हें कहा था ना, मुझे बीमार नहीं पड़ना चाहिए। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। माँ, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रही थी। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा, मेरा सर दर्द कर रहा है। तुम जाओ। माँ जी, रणवीर जीजा जी की भाभी जी आए हैं। अब आप लोगों पे विनम्रता का नाटक अच्छा नहीं लगता अंकल जी। जो भी बात है बैठकर करते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आ जाओ बेटा। नमस्ते भाभी। बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। आप लोगों ने हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालने में जरा सा ही वक्त नहीं लगाया, तो आप घर के अंदर क्यों बुला रही हैं? मैंने सोचा था कि बच्चों का झगड़ा है, बड़े समझदार हैं, बात को संभाल लेंगे। बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो, हमने इसे किया ही क्या है? ये तो आप अपने बेटे से पूछिए कि उसने क्या किया है। ठीक भाभी, बताइए ना क्या बात है। देव ने रणवीर को नौकरी से बाहर निकलवा दिया। क्या? आपके बेटे ने इतना कुछ कर दिया और आपको पता भी नहीं? देव ने एक बार भी नहीं सोचा कि रणवीर पर उसके परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है? नहीं नहीं भाभी, देव ऐसे नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, देव परिवार का मोल और जिम्मेदारी दोनों जानता है, मेरा बेटा ऐसे कर ही नहीं सकता कुछ। ये तो आप उससे पूछिए कि उसने ऐसा क्यों किया है। रणवीर हमेशा कहता था कि आप उसे समझती हैं, और आप तो जानती है कि रणवीर ने पैसा नहीं कमाया, उसने हमेशा इज्जत कमाई है। लेकिन उसकी कमाई और इज्जत की धज्जियां आपकी बेटी ने एक सेकंड में उतार दी। आपका देव बेटा चाहे कैसा भी हो लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं है। भाभी, और जो रणवीर ने मेंटल हैरेसमेंट का केस किया उसका क्या? ये सब रणवीर ने शुरू किया है भाभी। ये तुम भी अच्छे से जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि शुरुआत किसने, कैसे और कहाँ, किस बात पे की है। अब मैं इस घर में किसी से और कोई बात नहीं कर सकती, और आप लोग तो मेरी नजरों में बिल्कुल गिर गए। Can't believe this thing. रणवीर की सैलरी उसकी पूरी फैमिली के काम आती है। देव, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। और मेरी फैमिली? मेरी फैमिली का क्या? जिस फैमिली को तुम अपनी फैमिली भी कहती हो, उस फैमिली का क्या? मेरे सामने उसने नेहा की बेइज्जती की, मेरी पूरी फैमिली को बुरा कहा, वो ठीक था? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा देव, आपने जो किया गलत किया। मुझे सही गलत में पढ़ना ही नहीं, मुझे बस ये पता है कि उसने जो कहा उसने exactly, देव, जो उसने कहा, जो उसने किया, हम उसे ठीक कर सकते थे, हम उसे बात कर सकते थे, उसकी फैमिली से बात कर सकते थे, नेहा से बात कर सकते थे। सोनाक्षी प्लीज अपनी फेरी टेल वर्ल्ड से बाहर आओ। क्या ठीक हो जाता, ये समझने की कोशिश करो कि कुछ ठीक नहीं होगा, जो मैंने किया वो सही किया। देव, आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं एक बुरा सपना देख रही हूँ, और जब मैं आंखें खोलूंगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या पहले जैसा हो जाएगा? देव प्लीज, आप ऐसे नहीं हैं।
आप ऐसी नहीं है। जब बात मेरी फैमिली की आती है तो मैं ऐसा ही हूं। अगर कोई मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.